नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। यहां से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज की। देखेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एग्री कम्युनिटीज का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कैसे सीड से। तो देख रहे हैं कि कैसे सीड का फरवरी वायदा 6266 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6294 का भी हाई लगा चुका है। हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार जो लगभग पिछले 2 से 2.5 हफ्तों की बात करें तो 2 से 2.5 हफ्ते हमने कैसे सीड को 5900 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड करते देखा है। 5900 के नीचे नहीं लुढ़का था और 5000-6000 के लेवल को टच नहीं किया था। 5900 पर ही हमने ज़्यादातर कैसे सीड को लगभग 2 से 2.5 हफ्ते तक ट्रेड होते हुए देखा है। आपको बता दें कि कैसे सीड में जो फंडामेंटल्स हैं हाल फिलहाल में पॉजिटिव ही हैं। हालांकि जो न्यू क्रॉप है वो जनवरी एंड में या फरवरी में स्टार्टिंग में आ जाएगी, जिसका असर हम बाज़ार पर पड़ता हुआ भी ज़रूर देखेंगे। लेकिन इस बार जो प्रोडक्शन है वो पिछले 3 सालों में सबसे कम बताया जा रहा है। लगभग 3 साल में सबसे कम रह सकता है कैसे सीड का इस बार उत्पादन। मान के चले कि 15.98 यानी कि 15.98 लाख टन के करीब इस बार कैसे सीड का जो उत्पादन है वो रहने की आशंका जताई जा रही है भारत में, जो कि पिछले 3 सालों में सबसे कम बताया जा रहा है। और दूसरा चाइना की तरफ से हमने पहले जो एक्सपोर्ट डिमांड देखी थी कैसे की, उसमें भी अब इतना बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी कमज़ोर बनी हुई है और एक्सपोर्ट डिमांड के साथ साथ जो डोमेस्टिक डिमांड है कैसे की वो भी कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो न्यू क्रॉप आएगी और उसके बाद जो कीमतें रहेंगी उसके सेंटिमेंट के चलते आज हम देख रहे हैं कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन कैसे सीड का वायदा बाजार 6200 के ऊपर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। जानकारों के मुताबिक अभी कैसे सीड में जो तेज़ी है अभी कुछ समय तक जारी रह सकती है। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वायदा देख रहे हैं 3322 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3400 का लेवल हमने टच होते हुए तो देखा था। बिनौला खल के जनवरी वायदा की बात कर रहा हूँ मैं, जनवरी वायदा में 3400 का लेवल तो टच होता नज़र आ गया था, लेकिन वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली। दरअसल हाजिर की बात करें तो हाजिर में भी बिनौला खल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। वायदा में सिर्फ 3300-3400 देखने को मिल रही है, लेकिन हाजिर में जो कीमतें हैं बिनौला खल की यानी कपास खली की वो इससे भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि ऊंचे लेवल्स पर जो खरीदी है वो थोड़ी कम होती नज़र आई है। हालांकि जो उत्पादन है बिनौला खल का इस बार वो भी कम ही बताया जा रहा है, क्योंकि बिनौला खल कपास के बीज से तेल निकालने के बाद जो बचता है, जो वेस्ट होता है, उसको कहा जाता है। और इस बार हमने देखा है कि कपास के बीजों की भी कमी है, कपास की भी किल्लत, कपास का जो उत्पादन उसमें भी गिरावट आई है। पहले के मुकाबले कपास यानी कॉटन का जो उत्पादन है वो भी कम ही बताया जा रहा है, और इसके साथ साथ कपास के बीजों की भी कमी देखने को मिली है। और तो ऑब्वियस ही बात होगी कि अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन कम है और उससे बने उत्पाद अगर तैयार किए जाते हैं तो उसका भी जो उत्पादन होगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो भी कम ही देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से हमने बिनौला खल में बिनौला खल के जो स्टॉक है, जो उत्पादन है, इस बार हमने उसमें कमी आते हुए देखी है। पोल्ट्री और डेयरी की तरफ से बिनौला खल की जो ऊंचे कीमतों पर जो खरीदी है वो थोड़ी कम होती नज़र आई है। हालांकि जो डिमांड होगी इन्हीं इंडस्ट्रीज से आगे जाके भी देखने को मिलेगी, लेकिन आगे भी कीमतें और ज़्यादा तेज़ होने वाली हैं ऐसा जानकारों का मानना है। तो हो सकता है कि पोल्ट्री और डेयरी उद्योग की जो लागत है वो बढ़ जाए और उसका असर दूध की कीमतों पर और चिकन की कीमतों पर, पशुओं की कीमतों पर पड़ता नज़र आए। हो सकते हैं कि लाइव स्टॉक है उसकी कीमतें महंगी हो जाएं और जो मीट है उसकी कीमतें बढ़ जाएं और दूध की भी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती नज़र आ सकती हैं, क्योंकि बिनौला खली एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो पशुओं में दूध के फैट की मात्रा को और दूध के मात्रा को बढ़ाता है। बाकी खल में प्रोटीन होता है ज़्यादा, लेकिन बिनौला खल ही सिर्फ ऐसा उत्पाद है जो पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाता है। और इस बार जो पशु चारा है जैसे कि सोयाबीन हो गई, मक्का हो गया या फिर हरी घास हो गई, उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसकी वजह से दूध उत्पादन में कमी आती हुई नज़र आई है। और बीच में जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से भी जो व्यापारी हैं उन्होंने
पशुओं के ऊपर कम निवेश किया था, जिसकी वजह से हमने देखा दूध उत्पादन में कमी आती हुई नज़र आई। और इसी की वजह से हमने देखा है कि जैसे कि जो साउथ की तरफ अगर जाएं तो साउथ में कुछ राज्यों में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी का असर हमने साउथ में दूध की कीमतों पर पड़ते हुए देखा है। बिनौला खल की कीमतों में भी आगे तेज़ी का ही रुझान हाल फिलहाल में एक्सपर्ट्स अभी बता रहे हैं कि बिनौला खल में आगे जाके तेज़ी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि अभी जो 3300 के लेवल पर कुछ समय तक अभी और ट्रेड करता नज़र आ जाए, लेकिन मार्च में एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिनौला खल हो सकता है कि काफ़ी शानदार रिटर्न दे दे, मार्च तक काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव कीमतें हो जाएं। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो निवेश करके चला जा सकता है, वहीं शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि छुटमुट अभी करेक्शन बनती भी नज़र आ जाए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यहाँ से मसालों की। मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का जनवरी वादा 9520 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है और अप्रैल वादा देख रहे हैं 10158 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। मसालों में देख रहे हैं कि आज तेज़ी बनती नज़र आ रही है। आपको बता दें कि धनिया की जो पाइपलाइन है खाली बताई जा रही है, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी कमी बताया जा रहा है, इस बार बुवाई भी कम देखने को मिली है। जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं धनिया के, वहाँ पर धनिया की बुवाई में कमी देखने को मिली है और धनिया की शॉर्टेज भी इस वक्त हाजिर में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से धनिया की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक धनिया में आगे तेज़ी का ही रुझान बताया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में अप्रैल वायदा तो हम 10,000 के ऊपर जाता हुआ देख चुके हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जनवरी फरवरी मार्च तक हम धनिया को 11,000-12,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। तो धनिया में ओवरऑल तेज़ी का ही रुझान रहेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हाजिर कारोबारियों को अभी ऊँची कीमतों पर कुछ माल निकाल देना सही रहेगा और बाकी का थोड़ा माल आगे तेज़ी के लिए बचा कर रखना सही रहेगा, क्योंकि अभी जो तेज़ी आ रही है उसमें भी मुनाफा कमा सकते हैं और आगे जो अच्छी तेज़ी आएगी उसमें भी मुनाफा कमा के चला जा सकता है। तो दोनों तरफ से मुनाफा कमा सकते हैं। बात करें यहाँ से अगर जीरे की, तो जीरे का जनवरी वादा देख रहे हैं 17,400 के ऊपर है और मार्च वादा देख रहे हैं 18,000 के पार निकल चुका है। आधे फीसदी की तेज़ी है देख रहे हैं कि जीरे का मार्च वादा 18,000 के पार निकल चुका है। काफ़ी शानदार बढ़त बनती नज़र आ रही है जीरे में। जीरे में मार्केट टाइम्स टीवी आप सबको पहले से ही आग्रह करता नज़र आ रहा था, आग्रह करके चल रहा था, बताता चल रहा था कि मसालों में खासकर धनिया और जीरे में आगे जाके तेज़ी का ही रुझान देखने को मिलेगा। जीरे की जो कीमतें हैं काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगी। इसी का ही नतीजा देख रहे हैं हम कि जीरे में 18,000 के ऊपर के आज के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। जीरे में आगे जाके अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जीरे के भी जो फंडामेंटल्स हैं वो भी तेज़ी की ही ओर हैं। और दूसरा, अगर लॉकडाउन नहीं लगता है तो हो सकता है कि जीरे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी निकल के सामने आ जाए, क्योंकि रमज़ान का महीना रहेगा, होली भी रहेगी, शादी ब्याह का माहौल भी रहेगा, तो हो सकता है मसालों की खपत थोड़ी और बढ़ती नज़र आ जाए और जीरे की जो कीमतें हैं वो 18,000 के भी पार निकल जाए। तो मसालों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका मांग रहे हैं एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं कि मसालों में काफ़ी शानदार बढ़त बनती नज़र आ रही है। जीरा 18,000 के पार है, धनिए का अप्रैल वादा देख रहे हैं कि 10,000 के पार है, हल्दी का अप्रैल वादा देख रहे हैं ये भी 10,000 के पार देखने को मिल रहा है। मसालों में तेज़ी का ही रुझान देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है मसालों में आगे क्या कीमतें और अच्छी आने वाली हैं, क्या मसालों में आगे अभी और अच्छा रिटर्न मिलना बाकी है? देखिए मसालों में अभी फिलहाल तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूशन में बना रह सकता है। आप देखिए जो धनिया है वो 10,000 के ऊपर है और अभी जनवरी का एक्सपायरी है, तो अगले महीने की बात करें तो वो 10,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेड है कि 10,500 से 10,800 की रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर जीरे की बात करें तो जीरे के अंदर भी 18,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन है। आज हल्की करेक्शन जो कि 17,800 से 17,600 तक जा सकती है, उसके बाद वहां से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है जो कि ऊपर में 20,000 तक के स्तर भी दिखा सकता है। वहीं अगर बात हल्दी की करें तो हल्दी में भी पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हल्दी को आने वाले दिनों में जो रेंज है वो नीचे में 9800 से लेकर ऊपर में 11,000-11,200 तक ले जा सकता है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर कैसर की, तो कैसर में हमने 5,900 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा था कैसर सीड को, काफी समय से ऊपर ट्रेड होते हुए देखा था 5,900 के ऊपर। आपको क्या लगता है कैसे सीड में अब ये जो तेजी बनी है और 6,200 के ऊपर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, ये कब तक तेजी की ओर रहेगा और
क्या कैसर में आगे यहाँ से तेजी बनेगी या फिर एक बार फिर से यहाँ पे हम देखेंगे कि सीमित दायरा देखने को मिलेगा, रेंज देखने को मिलेगी? फिलहाल तो पॉजिटिव बनता हुआ मोमेंटम दिखाई दे रहा है और यहाँ से कैस्टर अब यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि 6500 तक एक बार ऊपर जा सकता है और प्राइजेस अब यहाँ से बाउंस बैक लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और 6200 के ऊपर लगातार सस्टेन है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 6500 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, इसे बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वायदा देख रहे हैं 3300 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, हमने देखा था कि जनवरी वायदा में बिनौला खल में 3400 का तो लेवल टच हुआ था, लेकिन वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली थी और फिर हमने 3300 के ऊपर ही ट्रेड होते हुए देखा है। आपको क्या लग रहा है, ये जो बिनौला खल यहाँ पे 3300 के ऊपर स्टक हो गया है, तो क्या आगे बिनौला खल में यहाँ से अभी और तेजी बननी बाकी है, क्या ब्रेकआउट लेवल्स अभी दिखने बाकी है? देखिए बिल्कुल, अभी जो बिनौला खल है वो यहाँ पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है या यूं कहें कि एक सीमित रेंज पकड़ लिया, उसी रेंज में फिलहाल ट्रेडिंग संभव देखने को मिल रही है और यहाँ पर नीचे में देखिए अगर लुढ़कता भी है तो 3200-3250 तक मैक्सिमम डाउनसाइड एक बार हो सकता है करेक्शन के चलते देखने को मिले और उधर से एक्सपायरी भी है तो उसका भी एक असर आ सकता है, पोजिशन स्केयर ऑफ होने के चलते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ऊपर में 3500 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में भी हमने तेजी बनते हुए देखी है, बीते कारोबारी सप्ताह से ये ग्वार गम ग्वार सीड से हमने देखा था कि तेजी बननी शुरू हो गई थी, 11700 के ऊपर आज भी सस्टेन है, वहीं ग्वार सीड 6300 के ऊपर है। रूपा जी आपको क्या लग रहा है, क्या यहाँ से अभी ग्वार गम 12000 के भी पार जा सकता है और क्या ग्वार सीड यहाँ से 6500 से लेकर 6700 तक के लेवल्स दिखा सकती है? देखिए बिल्कुल, ग्वार में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है और इन स्तरों पर भी फिलहाल बाइंग एक्टिव है और जिस तरीके से कच्चे तेल में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है उसका भी इम्पैक्ट है, तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से ग्वार जो है वो 12000 तक ऊपर जा सकता है, इनफैक्ट अगर 12000 के ऊपर जाता है तो अखिलेश कोई बड़ी बात नहीं होगी, 13000-15000 के स्तर भी ग्वार में देखने को मिले। देखिए एज ऑफ नाउ डिमांड के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, अगर इन्हीं ऊपरी स्तरों पर भी मांग निकलती रही तो बाजारों में तेजी बनी रहेगी, लेकिन वहीं करेक्शन भी आ सकती है, 4-5% लुढ़कते हुए भी सकते हैं मार्केट, करेक्शन के बाद फिर से वहां से सपोर्ट आएगा, तो लेकिन ट्रेंड जो है आप समझ के चलिए कि पॉजिटिव है, हर डिप पर मेरे हिसाब से इसमें बाइंग में ही रहना चाहिए फिलहाल ग्वार के अंदर और आने वाले टाइम में हम 13000 तक के भी स्तर देख सकते हैं। जी तो यानी कि ग्वार गम में आने वाले समय में रूपा जी के मुताबिक 13000 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं ग्वार गम और ग्वार सीड में, जो फंडामेंटल्स हम पहले से ही मजबूत देख रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन कम है, एक्सपोर्ट डिमांड 2022 में भी थोड़ी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और जो मंडियों में माल इस समय आ रहा है ग्वार का वो थोड़ा दागी है, जिसकी वजह से दागी माल की जो खरीद है वो थोड़ी कम हो रही है और अच्छे माल की खरीद जो कि इस वक्त मंडियों में मौजूद बहुत ही नाममात्र के लिए है या फिर ऐसा मैं कह सकते हैं कि है ही नहीं है, बहुत कम आ रहा है, उसकी खरीदी ज़्यादा है, उसके जो लेवल्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ग्वार में अभी तेजी देखने को मिल रही है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर अब कपास की, तो कपास में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कपास में तो लगातार तेजी ही बनती नज़र आ रही है, लेकिन हमने हाल ही में कपास पर बड़े फैसले भी होते हुए देखे हैं, 3% एडिशनल मार्जिन भी लगा है और जो प्रीमियम बड़ा और जो ज़्यादा प्रीमियम लिया जा रहा है उसकी वजह से भी हमने एक्सपोर्ट्स में कमी आते हुए देखी है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या एक्सपोर्ट्स में कमी आने की वजह से कपास की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, मद्देनजर की कपास का उत्पादन भी कम है और जो घरेलू डिमांड है वो भी ठीक ठाक है? देखिए जहां तक कॉटन की बात है अखिलेश, अभी जो एडिशनल मार्जिन बढ़ाया गया उसके चलते हमने हल्की करेक्शन आते हुए देखी थी वायदा के अंदर, लेकिन उसके बाद आप देखिए अगेन मार्केट पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल अपना रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा कम है और डिमांड अच्छी खासी अभी भी निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, विदेशी बाजारों में भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जिसका असर सीधा भारतीय बाजारों पर आप देखिए, फिर से बाजार जो है 35000 के ऊपर है यानी 36000 के बेहद करीब है और जनवरी वायदा में भी बाजारों में तेजी है और आगे फरवरी वायदा भी 36000 के पास जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी भी तेजी है, अभी 10-15 दिन अभी और कंटिन्यूशन में मार्केट रह सकता है। जी ईश्वर जी बात करें अगर मेंथा की, तो मेहनता में हमने देखा है कि लो लेवल से बाइंग इनिशिएट होती नजर आई है, एक प्रॉफिट बुकिंग भी बनी थी लेकिन फिर से निचले स्तर से खरीदारी भी बनी है, ऐसे में आपको क्या लगता है मेहनता का बाजार आसे कैसा रह सकता है? देखिए एक बार दोबारा से दोहराइए रूपा जी, मेहनता की बात करें अगर, तो मेहनता में हमने
ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी बनते देखी है, लेकिन निचले स्तर से बाइंग भी इनिशिएट होता हुआ देख रहे हैं। आपको क्या लगता है मेंथा का बाजार आगे कैसा रह सकता है? देखिए मेंथा अभी काफी साइडवेज मोमेंटम में है। देखिए 1000 के ऊपर पहले भी निकला था, उसके बाद फिर से करेक्शन आया और आज भी 1000 के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो छुटमुट बाइंग की तरफ रहा जा सकता है, 1020 1040 तक मैक्सिमम एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है। सब जानना चाहेंगे सरसों में इस समय क्या करके चलना सही रहेगा। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि सरसों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी तो देखने को मिली है, लेकिन ज़्यादा तेजी भी इतनी देखने को नहीं मिली है जो लेवल्स पहले वाले देखने को मिले थे। और मार्च में देख बताया जा रहा है कि न्यू अराइवल्स का आगमन हो जाएगा, नई आवकें मार्च में आना शुरू हो जाएंगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, जब नई आवकें आएंगी सरसों की, तो क्या जो पुरानी सरसों होगी उसकी कीमतों में इतनी ही तेजी रहेगी या फिर कीमतें थोड़ी घट सकती हैं? देखिए जब अराइवल आएंगी तब जरूर अराइवल प्रेशर के चलते दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अराइवल कैसे रहते हैं इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा तेजी का नहीं है। मैं लगातार यही बोलती आ रही हूँ, एडिबल ऑयल पैक में अब यहाँ से अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाजार जो है बहुत ज्यादा गिरेंगे भी नहीं, लेकिन उठते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक सीमित दायरे में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं, चाहे वो सरसों हो, सोयाबीन हो या फिर रिफाइंड सोया ऑयल हो। तो एडिबल ऑयल पैक में अभी फिलहाल मूवमेंट जो है वो साइड बनी रह सकती है। जी रूपा जी, कुछ दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं सरसों को लेकर ही कि सरसों को अभी रोक के चलें या बेचकर। देखिए अभी ये वाले टाइम फ्रेम के दौरान जो भी अपसाइड मोमेंटम मिलता है मेरे हिसाब से तो उसमें पोजीशनों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि आगे अराइवल प्रेशर के चलते कुछ दबाव तो आता हुआ आगे चल के दिखाई देगा। अब ये जो टाइम फ्रेम है इसके अंदर थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, उस बाउंस बैक के अंदर लिक्विडेट करना चाहिए। जी रूपा जी, कुछ दर्शक भी जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार मूंगफली को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं मूंगफली में आगे तेजी आएगी या अभी बेच के चलना सही रहेगा या रोककर। देखिए कौन सी कमोडिटी रूपा जी, कुछ दर्शक हैं जिनका सवाल लगातार मूंगफली को लेकर आ रहा है, पीनट को लेकर आ रहा है। सब जानना चाह रहे हैं कि मूंगफली में आगे तेजी रहेगी या मंदी, रोक कर चले या बेच कर। देखिए धीरे धीरे लिक्विडेट करते चले, थोड़ा सा अच्छा खासा बाउंस बैक मूंगफली में देखने को मिला था, एडिबल मूंगफली पीनट ऑयल के अंदर भी हमने एक अपसाइड मोमेंटम आता हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि अभी छुटमुट बाइंग में रह सकते हैं, लेकिन एग्जिट लेना लेना चाहिए यहाँ से, क्योंकि आगे चलकर कीमतों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है। फरवरी के एंड तक मुझे लगता है कि प्रेशर में आ सकता है मार्केट। जी रूपा जी, दर्शक हैं जिनका सवाल लगातार शुगर को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं शुगर में तेजी कब तक आ सकती है। देखिए शुगर में अभी फिलहाल तेजी का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अखिलेश, अभी ऑलरेडी मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि शुगर जो है अभी इसमें तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी ये सर जी, बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, क्योंकि वायदा में तो हम देख रहे हैं कि उठापटक का माहौल जारी है, लेकिन हाजिर में वायदा से ज्यादा कीमतें देखने को मिली, हालांकि हाजिर में भी कुछ ज्यादा खास कीमतें नहीं है, 6,700-6,800 मैक्सिमम देखने को मिला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि ब्राजील और अर्जेंटीना में बारिश ना होने की वजह से, सूखा ज़्यादा पड़ने की वजह से वहाँ पर जो उत्पादन का अनुमान था उससे काफ़ी कम सोयाबीन रह सकती है वहाँ पर उत्पादन में, और ब्राज़ील और अर्जेंटीना का जो हिस्सा है ग्लोबली सोयाबीन के उत्पादन में वो काफ़ी बड़ा रहता है, क्योंकि ब्राज़ील और अर्जेंटीना मुख्य उत्पादक देश भी हैं और निर्यातक देश भी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि विदेशों में अगर सोयाबीन का जो उत्पादन है कम रहता है और वैश्विक उत्पादन में गिरावट आती है, तो क्या आगे चलकर आने वाले कुछ महीनों में सोयाबीन की कीमतों में तेजी संभव है? देखिए फंडामेंटली प्रोडक्शन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, कैसा प्रोडक्शन रहता है और कितना सूखा है और उसके बाद डिमांड कैसी है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन एडिबल ऑयल पैक की अगर बात की जाए तो सोयाबीन में आगे चलकर तेजी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है जिसके चलते क्रॉप डैमेज की खबरें भी निकल कर आ रही है, और जैसे कि विदेशी बाजारों में लगातार तेजी का ही रुझान है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में कंट्रोल है अभी प्राइजेस के ऊपर, आगे इलेक्शंस भी हैं और दूसरा वायदा पर भी बैन लग चुका है आगे के वायदों पर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तो फिलहाल बाजार सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे सकते हैं, यहाँ से कीमतें बहुत ज्यादा करेक्शन में नहीं है, लेकिन अभी की सिनेरियो की बात करें तो बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ आगे चल के जैसी स्थिति रहेगी उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जी यही से रूपा जी, बात करें अगर दालों के बाजार की,
तो दालों के बाजार में हम देख रहे हैं कि आयात तो ठीक ठाक हो रहा है दालों का, और आगे बात भी चल रही है कि सरकार दालों का आयात अभी आगे और बढ़ा सकती है और कर सकती है, क्योंकि हम देखते हैं रूपा जी कि आयात बढ़ने से, ज़्यादा आयात करने से, और दूसरा ज़्यादा आयात बढ़ने से किसानों को MSP तो कम मिलती है, लेकिन उपभोक्ताओं को कीमतें उतनी ही चुकानी पड़ रही हैं। आज भी चना 100 रुपये किलो या उससे पार है, बाकी दालों की बात करें, अरहर की, तुअर की, मूंग की, मसूर की, तो लगभग सभी दालें 100 से ऊपर ही हैं या 100 रुपये के आसपास है। किसी भी दाल को उपभोक्ता निचले स्तर पर खरीदता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम थे दालों के लिए, उसके मद्देनजर आगे दलहन बाजार में तेजी रहेगी या मंदी? देखिए, अभी फिलहाल आगे दलहन बाजार की बात करें तो दलहन बाजार में फिलहाल मंदी की ही संभावना है। बहुत ज्यादा तेजी तो बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है यहाँ से, और कभी अभी जहां तक दालों का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से आगे चलकर भी बाजारों में प्रेशर बना रह सकता है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात, वायदा से हटाने के बाद प्राइजेस में जो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती थी वो भी कंट्रोल में आ चुकी है, इसलिए कीमतें जो है अभी फिलहाल साइडवेज मोमेंटम के दौरान नीचे की तरफ ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर लहसुन की, तो लहसुन में आपको क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि जनवरी का महीना भी है, नई लहसुन भी कुछ मंडियों में देखने को मिल चुकी है, और पहले से ही लहसुन का जो उत्पादन है वो ज़्यादा बताया जा रहा था, और बारिश भी पड़ी है जिसकी वजह से लहसुन खराब भी होता हुआ नज़र आया है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या लहसुन में यहाँ पे तेजी रहेगी या मंदी, और आने वाले समय में जब थोड़ी गर्मियाँ आ जाएंगी जैसे मार्च अप्रैल में, तो क्या इंडस्ट्रीज से, मसाला इंडस्ट्रीज से लहसुन की डिमांड कुछ उठ सकती है जिससे लहसुन में कुछ तेजी दर्ज की जा सके? देखिए, अभी तो फिलहाल जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रोडक्शन अच्छा खासा है, अराइवल्स अच्छे खासे मंडियों में देखने को मिल रहे हैं, और विंटर सीजन की भी डिमांड नहीं निकली है, तो अभी तो फिलहाल कोई लहसुन में उठाव नजर नहीं आ रहा है। और आगे भी अगर प्रोडक्शन अच्छा रहता है तो मुझे नहीं लगता कि कीमतों को कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, तो अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो फिलहाल गिरावट के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल मक्के को लेकर आ रहा है, ये मक्के के बारे में जानना चाह रहे हैं, मक्के में आगे क्या तेजी रहेगी या मंदी? रूपा जी, हमने हाल फिलहाल में ही देखा है कि मक्के की जो कीमतें हैं पहले के मुकाबले कुछ सुधरी है, क्योंकि प्रोडक्शन थोड़ा कम रहा है। हमने देखा था साल 2020 साल 2021 में मक्का किसानों को बिल्कुल भी दाम नहीं मिले थे, जिसकी वजह से मक्का किसानों का रुझान दूसरी फसलों की ओर बढ़ा है और मक्के का उत्पादन थोड़ा कम रहा है, और विदेशों में भी देख रहे हैं कि मक्के की कीमतों में तेजी ही देखने को मिल रही है, और एथेनॉल इंडस्ट्री से भविष्य में मक्के की जो डिमांड है वो भी निकलने की बात कही जा रही है विदेशों के अंदर। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, उसका असर क्या साल 2022 में मक्के की कीमतों पर पड़ता नजर आ सकता है? देखिए, आगे चल के हो सकता है कि मक्के की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे, जो अभी सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि प्राइसेस बिल्कुल डाउन हो चुके थे और किसानों का भी रुझान हटा है, तो अभी फिलहाल छुटमुट तेजी मक्के के अंदर बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आज आप हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, जो पूरे कारोबारी सप्ताह में अच्छा मुनाफा देके चल सकते हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो कमोडिटी मुझे दिखाई दे रही है, बिनोला खल है, बिनोला खल के साथ साथ गुआर, ये दो कमोडिटी ऐसी हो सकती हैं जो एक अच्छा मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि कृषि फसलों में बिनौला खल और ग्वार, ये दो कमोडिटी ऐसी हैं जो अभी मौजूदा समय में भी और आने वाले समय में भी आपको अच्छा मुनाफा देकर चल सकती हैं। तो ये था छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आया और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।